नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अर्जुन मंडल और आज हम अभी मौजूद हैं धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी आवास कॉलोनी में। और यहां पर एक जर्जर स्थिति में जो टंकी दिख रही है, इस पर क्या कहना है यहां के स्थानीय लोगों का, हम जानते हैं इन्हीं से। अच्छा, आप बताइए ये जो टंकी है इसके बारे में क्या कहना है? इस टंकी के बारे में जब से हम यहाँ पे हैं तब से तो ये कभी चालू हुआ ही नहीं है, जब से बना इसी स्थिति में है। आज की स्थिति इसका ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इधर भी गिर सकता है। ये टंकी देखिए आप सामने, ये मतलब ये कब बना होगा? लगभग 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 आप कब से देख रहे हैं? हम तो करीब करीब यहाँ 20-22 साल से हैं, 30 साल लगभग हो गया होगा। 30 साल से ऐसे ही स्थिति में हाँ पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं? नहीं, कभी इस पर पानी चढ़ा भी नहीं है। क्या लगता है किसके मतलब कारण हो रहा है ये सब? तो बोर्ड के लापरवाही में होगा, बोर्ड की लापरवाही होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जो जर्जर स्थिति में जो खड़ा हुआ है? हम लोग यही चाहेंगे कि टंकी यहाँ पे नहीं हटा दिया जाए, बोर्ड द्वारा हटा दिया जाए ताकि हादसा से बचे लोग। ये जो आप टंकी देख रहे हैं ये कौन से जगह पर है? ये हाउसिंग कॉलोनी जनता फ्लैट के निकट है। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार सिंह। आप क्या देखते आए हैं इस टंकी? देखते हैं कि शुरुआत से जो बना है टंकी, इसके बाद कभी इसमें पानी गया ही नहीं, चालू नहीं किया गया। स्थिति दिखाई दे रहा है पूरा जर्जर है। जर्जर स्थिति है, कब गिरेगा, कब मने ऐसी होगा, डैमेज होगा, इससे क्षति होगा, इससे मने मान लीजिए आम पब्लिक को नुकसान होगा, कब गिरेगा, किसी के देह पर गिर जाएगा तो उससे भी नुकसान होगा। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इसके? बोर्ड का जिम्मेदारी है। क्या लगता है कि वो लोग क्यों ऐसा रख के छोड़ दिया? जानबूझ करके मने इधर किनार करके इसको नहीं देख पा रहा है, लोग नहीं अथी कर रहा है, पब्लिक के बीच में कोई कंप्लेन भी नहीं अगल बगल कर रहा है, चुप्पी मने बोर्ड मने चुप्पी नाधे हुए है। कंप्लेन नहीं करने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? मुख्य कारण है कि आम जनता लोग है मने अब वो करेंगे। ये सभी मतलब बोर्ड के ही कर्मचारी हैं? सब बोर्ड के कर्मचारी हैं, अगल बगल में भी बोर्ड का कर्मचारी रह रहे हैं, इसीलिए ये लोग कंप्लेन नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अगल बगल है, देखिए आगे में बोर्ड का कर्मचारी लोग रहते हैं, रोज देख रहे हैं कि रोज ऊपर से गिर रहा है, लेकिन फिर भी मने इसको मने नहीं कर रहे हैं लोग, तोड़ फोड़ कर। एक बार लोग बोला भी गया इसे, हम लोग भी बोले हैं कि भाई इसको तोड़ करके गिरा दीजिए, डैमेज बिल्डिंग है, कब किसी जानवर पर गिर जाएगा, आदमी पर गिर जाएगा, नुकसान होगा। क्या आबादी वाला क्षेत्र है? लगभग इधर तो मोटा मोटी कम से कम मने 10,000 आबादी होगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको टंकी को तोड़वाया जाए। तो जैसे कि आपने अवधेश प्रसाद से भी सुना कि जिस तरह से ये जर्जर है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए ये बोर्ड से निवेदन भी कर रहे हैं कि इसको हटा लिया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।